कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज दो दिनों तक चलेगी। समीक्षा बैठक आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। बैठक पूर्व मंत्री और नव निर्वाचित विधायक रहेंगे मौजूद। कल सुबह 11 बजे होगी दूसरे दिन की बैठक। बैठक में संयुक्त महामंत्री, सचिव और पूर्व विधायक भी रहेंगे मौजूद। तो आज शाम 4 बजे बैठक होगी और दो दिनों तक कांग्रेस की यह समीक्षा बैठक चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक होनी है, कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, आज शाम को 4 बजे जो है एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस बैठक में जो है जिला स्तर के और पूर्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े पदाधिकारी सहित महामंत्री और सचिवों और पूर्व सचिवों को इस बैठक में शामिल किया गया है। इस बैठक यहाँ जो बैठक है शाम को 4 बजे चलेगी, जो दूसरे दिन भी यहाँ बैठक चलेगी। दो दिवसीय इस बैठक का आयोजन इसलिए रखा गया है क्योंकि लगातार जो है पार्टी में कई सारे जो ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसको लेकर जो है चिंता का विषय बना गया है। साथ ही जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है किस प्रकार प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो है कांग्रेस जो है रणनीति बनाएगी, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। बता देना चाहूंगा कि दो दिन पहले ही कांग्रेस से नंद कुमार साय का इस्तीफा आया था, जिसके बाद जो है हाईकमान से यहाँ पे बैठक आयोजित करके तमाम पदाधिकारियों को संगठित करके आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए इस बैठक को बुलाई गई है। इस बैठक में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय होना है जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है धरातल पर एक बार फिर से उतरेगी प्रदेश की जनता को आकर्षित करने के लिए। जी, प्रदेश में कांग्रेस के बीच अंतर्कलह की भी खबर जो है वो सामने आती रही है, क्या लगता है इस पर भी बातचीत हो सकती है? जी अभिषेक, बेशक इस पर जो है काफी महत्वपूर्ण विषय है यहाँ, इसीलिए जो है इसमें पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सहित कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। दो दिवसीय यह बैठक जो है इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस दो दिवसीय बैठक में जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मनाने की बात चलेगी। साथ ही उन्हें एक टारगेट भी दिया जाएगा कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव में कार्य करना है और कैसे कैसे मुद्दों को लेकर जो है प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यह बैठक आज शाम 4 बजे से रखी हुई है और यह बैठक जो है कल भी चलेगी। जी, कल बैठक होगी तो क्या लगता है दो दिनों की बैठक में बीजेपी को मात देने के लिए पार्टी किस तरह की जो रणनीति है वो बना सकती है? सारे पदाधिकारी है कि इस बैठक को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इस बैठक को दो दिवसीय रखा गया। दो दिवसीय बैठक में कई सारे ऐसे जो मुद्दों पर जो है कांग्रेस जो है भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उतरने की कोशिश करेगी ताकि जो है प्रदेश के जनता के सामने जो है कांग्रेस की छवि जो है फिर से अच्छी हो। साथ ही जो है इस बैठक में जो अभी तक से जो तमाम लोग विधानसभा चुनाव के बाद जो बयानबाजी हुई है और जो कई सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है, पूर्व विधायक सहित जो विधायक प्रत्याशी जो लड़े थे उन्होंने भी इस्तीफा दिए, तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज जो है चर्चा होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।